हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस फिल्म्स लॉकडाउन सीरीज में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में और इस एंशियंट हिस्ट्री में लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख रखा था साउथ इंडियन डायनेस्टी के बारे में। पहले हम लोगों ने पल्लव के बारे में बात किया, फिर हम लोगों ने चालुक्य के बारे में बात किया था और उसमें भी बेसिकली हम लोगों ने थ्री ब्रांचेस ऑफ चालुक्य के बारे में बात किया। वन वॉज द वातापी, दूसरा वेंगी और तीसरा कल्याणी के जो चालुक्य थे। इसी डिस्कशन में जरा आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं संगम पीरियड के जितनी भी डायनेस्टीज हैं, जैसे चोल, चेर एंड पांड्य। इस डायनेस्टी में इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपको एक और वीडियो आएगी जिसमें संगम पीरियड के बारे में या संगम लिटरेचर के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी एंड दैट विल बी पर्टिकुलरली डेडिकेटेड टू द आर्ट एंड कल्चर वीडियो। फिलहाल अभी इस वीडियो में भी हम लोग थोड़ी मोड़ी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बातें करेंगे, ज्यादा हम लोग बातें करेंगे हम लोग पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की भी एक फुल फ्लेज्ड कोर्स लॉन्च हो चुकी है जो कि 16 अगस्त से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आपको आर्ट एंड कल्चर या इससे रिलेटेड टॉपिक में अगर प्रॉब्लम फेस हो रही है तो यू कैन सब्सक्राइब फॉर दिस सीरीज। इस सीरीज में आपको प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे और साथ ही साथ पास्ट ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो जिससे कि आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा। साउथ इंडियन डायनेस्टी के बारे में बात करा जाए तो इसमें बेसिकली संगम पीरियड के बारे में हम लोग देखते हैं और यहीं पर कुछ संगम लिटरेचर्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लाइक शिला पद्मिकरम। ये कुछ लिटरेचर्स रहेंगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर अगर डायनेस्टी आप देखेंगे तो तीन डायनेस्टी आपको देखने को मिल रही होगी। वन इज द चोल डायनेस्टी, सेकंड इज द चेर डायनेस्टी और थर्डली जो है वो पांड्य डायनेस्टी है। तीनों के बारे में ही देखेंगे तो देखिए, चोल डायनेस्टी, यहाँ पर एक रिवर बहती है एंड दैट रिवर इज द पेन्नार रिवर। हम लोगों ने जब चालुक्य के बारे में डिस्कशन किया था वहां पर भी मैंने बताया था और पल्लव डायनेस्टी में भी आपको बताया था कि किस तरीके से रिवर के बीचों बीच में डायनेस्टीज बनी थी। तो ये थी पेन्नार रिवर और यहां पर बेसिकली जो रिवर निकल के आ रही है, दिस इज द कावेरी रिवर। और इस पेन्नार और कावेरी रिवर के बीच में जो डायनेस्टी थी वो थी चोल डायनेस्टी। काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी। इनफैक्ट अगर चोल डायनेस्टी के बारे में बात किया जाए तो ये डायनेस्टी एक तो कई सारे डायनेस्टी की कंटेम्पररी रही है, जैसे कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी, चोल चालुक्य डायनेस्टी एंड साथ ही साथ में पल्लव डायनेस्टी। इससे पहले जितनी भी डायनेस्टीज थी साउथ इंडिया में वो बेसिकली ट्राइबल ओरिएंटेड थी। ट्राइबल का मतलब हो गया कि ये आपस में ऑर्गेनाइज नहीं थी, ये संगठित नहीं थी, ये एक तरीके से कबीले टाइप का जो लाइफ थी, कबीलाई जो जिंदगी थी वो जी रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास डायनेस्टी, कोई खास डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद से संगम पीरियड के दौरान में यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और इस तरीके से डायनेस्टीज सामने निकल करके आती हैं, जहां पर एक डायनेस्टी रहती है चोल, सेकंड इज द चेर, थर्ड वन इज द पांड्य डायनेस्टी। इन तीनों डायनेस्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी होती है वो है चोल डायनेस्टी और इनफैक्ट इसी चोल डायनेस्टी ने, इस चोल डायनेस्टी के जो रूलर थे वो बेसिकली नॉर्थ इंडिया के साइड भी एनेक्सेशन करते हैं, लेकिन बाकी चेर और पांड्य ये केवल और केवल साउथ इंडिया में ही सीमित रह जाते हैं और अधिक से अधिक केवल और केवल ये श्रीलंका की डायनेस्टी, श्रीलंका पर ये अटैक कर पाते हैं। अदरवाइज ये तीनों आपस में ही बेसिकली बिजी रहते हैं वॉर लड़ने में, लेकिन इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो चोल डायनेस्टी है। इनफैक्ट हम लोग विद द टाइम जो डिस्कशन करेंगे वहां पर आपको क्लैरिटी भी आ जाएगी। तो फटाफट देखते हैं सबसे पहले चोल के बारे में और चोल से पहले जरा देख लेते हैं तीनों की तीनों डायनेस्टी का एक सुपरविजन देख लेते हैं। तो ये बेसिकली संगम पीरियड के बारे में थोड़ा सा पहले देख लिया जाए। इन द एंशियंट हिस्ट्री द मैग्नानिमस डायनेस्टीज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिफाइनिंग द सोशियो पोलिटिकल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। सच वॉज द एज ऑफ संगम पीरियड विच वॉज लिव्ड बाई थ्री ग्रेट डायनेस्टीज। कौन कौन सी? चोल, चेर एंड पांड्य। इन द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, फर्स्ट सेंचुरी बीसी का मतलब हो गया कि जिस समय, इस समय कौन सी डायनेस्टी चल रही है बताइए। तो दिस इज द डायनेस्टी व्हेन कह सकते हैं कि आप गुप्ता से जस्ट पहले की डायनेस्टीज जो है वो स्टार्ट होकर के रखी हुई है। शुंग डायनेस्टी और जितनी भी डायनेस्टीज थी वो सारी डायनेस्टीज है। टू द एंड ऑफ द सेकेंड सेंचुरी सीई इन द साउथ इंडिया। तो ये बेसिकली एक ऐसा पीरियड है जहां पर
नॉर्थ इंडिया में भी काफी ज्यादा इनस्टेबल पोजीशन हो रखी है और साउथ इंडिया में भी डेवलपमेंट धीरे धीरे आ ही रही है. देयर आर थ्री संगम्स कंडक्टेड इन एंशियंट साउथ इंडिया कॉल्ड मुच्छंगम. तो ये जो मुच्छंगम है ये बेसिकली तमिल रीजन्स कहते थे और इसमें कई सारे संगम्स जो है वो बने थे. संगम का मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि आपस में लोग आते थे, मिलते थे और उसके बाद से जो भी वहां पर कहानी होती थी उसी चीज को कहा जाता है. दीज संगम्स प्रॉस्पर्ड अंडर द रॉयल पैट्रनेज ऑफ द पांड्य किंग ऑफ मदुरई. तो जो मदुरई का इलाका है वो बेसिकली पांड्य राजाओं के अंतर्गत था और यहाँ पर बेसिकली ये जो संगम्स थे ये रॉयल पैट्रनेज ऑफ द पांड्य किंग के अंतर्गत ही करवाए गए थे. थ्री डायनेस्टीज रूल्ड इन द संगम एज और तीनों के बारे में ऑलरेडी जान गए आप लोग. द की सोर्स ऑफ एविडेंस अबाउट दीज डायनेस्टीज इज आउटलाइंड फ्रॉम द लिटररी रेफरेंसेज ऑफ द संगम पीरियड. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को डे वन से ही बताया हुआ है कि हम लोग हिस्ट्री में दो तरीके के सोर्सेज को रीड करते हैं. एक होती है जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होती हैं जो खुदाई के दौरान में एक्सकेवेशन के दौरान में मिलती हैं हमें, लाइक इंस्क्रिप्शंस हो गया या फिर जो पिलर्स होते हैं या फिर कोई कॉइन्स वगैरह मिल गई तो उस तरीके की आर्कियोलॉजिकल हो जाती है. दूसरी होती है जो लिटरेचर वाइज होती है. लिटरेचर का मतलब जैसे कोई भी बुक मिल गई, कोई एपिक मिल गया या इस तरीके की कोई भी पुराण वगैरह हो गई जहां पर इनका मेंशन किया गया हो वो चीज मिल जाती है. जैसे कि अगर बात किया जाए चीर के बारे में, इनफैक्ट अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे, तो चीर का जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐतरेय ब्राह्मण, हम लोग जो वैदिक टाइम पे किए थे, ब्राह्मण हो गया, उपनिषद हो गया, तो ऐतरेय ब्राह्मण में इन चीर को चीरपाद बोला गया है. इसके अलावा जो अशोक के जो कह लीजिए कि जो रॉक एडिक्ट्स थे उसमें भी इन चीर को केरल सन ऑफ केरल्स बोला गया है, केरल पुत्र बोला गया है. तो यहां से हमें जानकारी मिलती है साउथ इंडिया के बारे में कि हाँ मौर्यन टाइम से ही या फिर मौर्यन टाइम के बाद शुंग डायनेस्टी एंड ऑल दैट जितनी भी डायनेस्टीज आई थी उन सारे डायनेस्टीज में साउथ इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में पॉलिटिकल सिस्टम अब निकल करके सामने आना शुरू हो गया था. अब ये बेसिकली है पूरा का पूरा एक तरीके से ओवरव्यू जो कि आपको याद रखना है कि कहां पे कौन सी डायनेस्टी है, इसकी कैपिटल क्या थी और इसमें इंपॉर्टेंट रूलर कौन से थे और इनका एम्बलम वगैरह या कह लीजिए जो सिंबल है वो क्या था. तो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट डायनेस्टी जो कि चेर डायनेस्टी है, सेकेंड है चोल डायनेस्टी एंड थर्डली इज द पांड्य डायनेस्टी. चेर डायनेस्टी में अगर देखा जाए तो आज की डेट का जो केरल है वो एरिया हो जाता है. इसकी जो राजधानी थी, एंशियंट कैपिटल थी वो वंजी थी, हालांकि इस वंजी को जो है करुबुरा नाम से भी जाना जाता था. दिस इज बेसिकली करुबुरा, ठीक है, तो दोनों नाम याद रखिएगा, कुछ भी आ सकता है. इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रूलर इसमें है उनका नाम था चिरांग सिंह गुटवन. तो ये जो सेन गुटवन है ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं. इनके अलावा कुछ और भी चेल जो चेर रूलर है वो इंपॉर्टेंट, जैसे उदयन जीरल और अडिग ईमान. तो इनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इज द शेन गुटवन. इसके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बंदरगाह है, उसका नाम रहता है मुसीरी. और ये मुसीरी बेसिकली केरल का काफी ज्यादा उस समय का बिजिएस्ट पोर्ट था. इसके अलावा तोंडी भी एक और इंपॉर्टेंट पोर्ट थी. इसके एम्बलम के बारे में बात करें तो बो एंड एरो यानी धनुष और बाण जो है वो इस समय का सिंबल यानी चिन्ह माना जाता था. दूसरे जो थे चोल किंगडम थी. चोल किंगडम वॉज बेसिकली इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और इनफैक्ट अगर आप रिवर के माध्यम से अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो यू कैन डिवाइड द एरिया बिटवीन पेन्नार रिवर एंड साउथ केरल कावेरी रिवर. तो इन दोनों के बीच का जो एरिया था वो बेसिकली चोल किंगडम के अंतर्गत, चोल किंगडम के अंडर में था. इसकी जो कैपिटल थी उरैयूर थी. उरैयूर बेसिकली त्रिची के पास में एक इलाका आता है, वहीं उसी को उरैयूर बोला जाता है. इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है पुहर. इनफैक्ट उरैयूर की बाद जो डायनेस्टी के बाद कह लीजिए कि जो कैपिटल बनाई गई थी उसका नाम पुहर था. तो बीच में ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल हमें देखने को मिलता है इन द चोल डायनेस्टी. इसके जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो हालांकि हैं तो बहुत सारे, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इज द करिकल. और ये जो बेसिकली करिकल है इनका संगम पीरियड, इनफैक्ट जो संगम लिटरेचर्स है उसमें भी इनका कह लीजिए डिस्क्रिप्शन उनसे मेंशन मिलता है. इसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्ट होते हैं वो कावेरी पत्तनम इंपॉर्टेंट पोर्ट मिलता है. इनफैक्ट अगर इंडिया में बात किया जाए इन द एंशियंट टाइम्स बेसिकली देयर वर सेवन पोर्ट्स और वो सातों पोर्ट भी जो है वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे कौन कौन से पोर्ट्स हैं. हालांकि आप यहां से देख ही रहे हैं मुसरी, तोंडी, कावेरी पत्तनम तो अपने आप दिख ही रहा है,
बाकी इसके अलावा विशाखापट्टनम वगैरह भी जो होता है ये अलग अलग पोर्ट थे, नागपट्टनम वगैरह पोर्ट हुआ करती थी उस समय की। एम्बलम के बारे में बात करें तो टाइगर वॉज द एम्बलम, यहाँ पर जो है टाइगर एम्बलम माना जाता था। थर्डली जो है पांड्य डायनेस्टी आती है और ये बेसिकली तमिलनाडु की डायनेस्टी थी और इनफैक्ट इन तीनों में सबसे पहले यही राइज किए थे, राइज जरूर किए थे ये सबसे पहले, लेकिन ये उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे और इनफैक्ट चोल डायनेस्टी ने इन पांड्य को हरा करके अपना एरिया जो है वो बढ़ा लिया था। हालांकि ये जो चोल डायनेस्टी अभी हम लोग जब बात करेंगे तो बताऊंगा मैं कि ये बेसिकली पल्लव डायनेस्टी के अंतर्गत, पल्लव डायनेस्टी के फ्यूड्स थे, तो ये फ्यूडेटरीज थे, सामंत थे चोल डायनेस्टी के। लेकिन जो चेर और पांड्य इनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है, इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि ट्राइबल पीपल्स थे जो कि एक तरीके से संगठित होकर ऑर्गेनाइज होकर के अपनी डायनेस्टी बनाए हैं। लेकिन यहां पर चोल डायनेस्टी जो है बेसिकली वो पल्लव से ही, मतलब फ्यूडेटरी से निकल करके आई है, जो कि इन दोनों के साथ वॉर लड़ करके अपने एरिया को बड़ा किए थे, अपना एरिया जो है वो एक्सपैंड किए थे। पांड्य डायनेस्टी के वापस में हम लोग आकर के देखते हैं तो इनके जो एरिया है तमिलनाडु ऑलरेडी देख लिया हम लोगों ने, इनकी जो कैपिटल थी वॉज मदुरई और इनफैक्ट मदुरई को ही जो चोल रूलर्स थे उनको, मदुरई को हरा करके, मदुरई को जीत करके मदुरई कोंडा एक टाइटल लेते हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं उनका नाम रहता है नेदुम चिल्लेन, तो ये जो नेदुम चिल्लेन है इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है इनके लिए। इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है इसमें वो मुजरिस एक पोर्ट रहती है, कोरकई पोर्ट रहती है एंड कावेरी एक पोर्ट रहती है। इसको जो एम्बलम है वो बेसिकली कार्प है, कार्प का मतलब होता है मछली, फिश, तो ये एक तरीके की फिश होती है कार्प, उसी का ये एम्बलम होता है। तो ये थी बेसिकली एक तरीके की समरी जो आपको याद रखनी है, बिकॉज ये आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन हो सकता है अगर आप बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन यहां तक पूछा जा सकता है, बट अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन किया जाए या फिर थोड़ा सा डिटेल्ड किया जाए तो फिर चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं हम लोग वो भी डिटेल्ड डिस्कशन भी, और थोड़ी सी देख लेते हैं किस तरीके से लड़ाइयां हुई हैं। अब हिस्ट्री अगर आप पढ़ें और उसमें लड़ाइयां आप ना कराएं तो फिर हिस्ट्री की फील नहीं आती है, तो चलिए फिर थोड़ा सा फील लेते हैं हिस्ट्री के बारे में और फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में संगम लिटरेचर और उससे रिलेटेड जितने भी डिस्कशन हैं। तो फटाफट देखते हैं सबसे पहले चोल के बारे में, तो चोल के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि ये एक ऐसी, मतलब ये जो है वो कोस्टल एरिया था जो कि बेसिकली पेन्नार और कावेरी नदी के बीच में था। इस एम्पायर को चोल मंडलम नाम से भी जाना जाता है, यहां पर आपको संस्कृत लैंग्वेज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, तो दिस वॉज नोन एज चोल मंडलम। ठीक है, कैपिटल के बारे में तो ऑलरेडी आप देख लिया कि उरैयूर इसकी राजधानी थी, उरैयूर इसकी कैपिटल थी। इसके बारे में हमें पता चलता है अगेन संगम पीरियड से ही, संगम लिटरेचर से ही मिलते हैं, और यहां पर दो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनका हमें संगम लिटरेचर में मेंशन मिलता है, इन दोनों का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना। वन इज द करिकल, इनफैक्ट अभी हम लोगों ने देखा भी था करिकल के बारे में जो कि समरी वाइज में देखे थे, और जो एक दूसरे रूलर है उनका नाम है कोचेन गनान, तो दिस इज कोचेन गनान। ये दो इंपॉर्टेंट रूलर है जिनका संगम लिटरेचर में मेंशन मिलता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द चोल किंगडम ऑफ संगम पीरियड स्ट्रेच फ्रॉम द प्रेजेंट डे त्रिची डिस्ट्रिक्ट टू द सदर्न आंध्र प्रदेश, तो जो उरैकल है वो एक्चुअली त्रिची के पास की ही एरिया है, तो इसी वजह से यहां पर एक नियर बाय रीजन बता दिया गया है त्रिची डिस्ट्रिक्ट में। इनिशियली द कैपिटल ऑफ चोलाज वर उरैयूर, लेकिन बाद में इस चीज को शिफ्ट कर दिया गया था पुहर में या पूम पुहर में। आगे किंग करिकल वॉज द प्रोमिनेंट किंग ऑफ द संगम चोल डायनेस्टी, इनफैक्ट मेंशन भी मिलता है ऐसा हम लोगों ने देखा। इनका जो एम्बलम है वो टाइगर था एंड पतिन पलाई रिटन बाय कडयूर डिपिक्ट हिज लाइफ एज वेल एज मिलिट्री अचीवमेंट। ये हम लोग हालांकि देखेंगे जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में संगम लिटरेचर के बारे में देखेंगे तो वहां पर बात करेंगे इनके बारे में और भी, लेकिन ये है कि आपको दिस इज द फैक्ट एंड यू हैव टू मेमोराइज दिस फैक्ट। Various Sangam poems mentioned the Battle of Veni, where he defeated an alliance of the Cher, Pandya and 11 smaller chieftains. तो ये बेसिकली एक तरीके से कह लीजिए कि छोटे छोटे ट्राइबल रूलर्स हुआ करते थे उस समय के, या फ्यूड्स भी इनको आप बोल सकते हैं, जो आपस में ऑर्गेनाइज हो करके चोल को हराने के लिए आए थे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बैटल होती है जिसका नाम है वहाई परंदलाई, तो ये एक इंपॉर्टेंट बैटल और भी होती है जो करैकल के द्वारा फाइट की जाती है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज बीन मेंशन्ड इनटू संगम लिटरेचर, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है।
थोड़ा सा नाम मे भी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, बट एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा. ट्रेड एंड कॉमर्स प्रॉस्पर्ड ड्यूरिंग हिज रूल. ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इरीगेशन टैंक्स नियर रिवर कावेरी टू मेक अवेलेबल वाटर फॉर रिक्लेम्ड लैंड फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग. अब हम लोग जरा एक एक करके जरा इनके डायनेस्टीज में जितने भी रूलर्स आए हैं उनके बारे में जरा पढ़ लिया जाए. जैसे कि सबसे पहले जो आते हैं उनका नाम रहता है विजयालय. विजयालय कह सकते हैं आप कि चोल डायनेस्टी के ये एस्टैब्लिशर हैं या फिर कह लीजिए फाउंडर हैं. ये लोग जो पल्लव थे उन्हीं के फ्यूड्स हुआ करते थे, पल्लव के ही सामंत हुआ करते थे. और अल्टीमेटली जब पल्लव डायनेस्टी के उन्होंने देखा कि ये वीक हो रही है तो इन्होंने तंजौर पर अटैक करके तंजौर को अपने कब्जे में ले लिया, अपने कह लीजिए कि कंट्रोल में ले लिया. और फिर अपनी जो ये चोल डायनेस्टी है ये इन्होंने यहाँ पर फाउंड की. इन्होंने एक टेम्पल बनवाया था दैट इज नोन एट चोलेश्वर टेम्पल और इस वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जितनी भी इनफैक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं वो आपको याद करना है और जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ केवल आपको सुन लेना है और आपको केवल और केवल ध्यान में रखना है. स्टोरी सुन लेने से उसके जो राजा है उनका नाम अपने आप याद हो जाता है, तो इस वजह से स्टोरी इज इंपॉर्टेंट हियर. दूसरे जो राजा बनते हैं वो बनते हैं विजयालय के जो बेटे रहते हैं, विजयालय के सन रहते हैं आदित्यवन. तो आदित्यवन जो है वो अब पल्लवों को और हरा देता है. पल्लव जो रहते हैं उनको मान लीजिए कि जो भी वीक तो हो ही रहे हैं, डिक्लाइन हो ही रहा है, उसमें विजयालय ने अपने एरिया को, तंजौर को एरिया को जो है कैप्चर कर लेता है और फिर अपनी डायनेस्टी बना लेता है. और जो आदित्यवन रहता है फिर वो और पल्लव जो डिक्लाइन हो रहे हैं उनके भी बचे हुए एरिया को ये अपने अंडर में ही कंट्रोल में ले लेता है. तो इस तरीके से जो चोल डायनेस्टी एक तरीके से कह लीजिए कि वो पूरे के पूरे एरिया में फैल जाती है और इस तरीके से यहां पर चोल डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है. नेक्स्ट आती है परांतकवन. परांतकवन अगेन जो है ये आदित्यवन का ही लड़का रहता है और ये मदुरई के जो मदुरई मतलब तमिलनाडु में है ऑलरेडी यहाँ पे पांड्य डायनेस्टी बनी हुई है, पांड्य डायनेस्टी को ये हरा देता है. और यहां पर एक वॉर होती है, द वॉर नेम ऑफ द वॉर इज द वेल्लूर वॉर. तो बेसिकली यहां पर एक वेल्लूर वॉर होती है. इस वेल्लूर वॉर में ये दो लोगों को हराता है, एक तो पांड्य को भी हराता है साथ ही साथ में श्रीलंका जो नीचे श्रीलंका है इसको भी हराता है. श्रीलंका में जो रूलर होते हैं उनका नाम रहता है महेंद्र फाइव और ये महेंद्र फाइव को बेसिकली हरा देता है. लेकिन 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 इस समय तक जो राष्ट्रकूटाज हैं वो भी काफी स्ट्रांग होते हैं और इनफैक्ट वो भी अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन कर रहे होते हैं. तो अब देखिए जरा यहाँ पर इनकी लोकेशन, चोल की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो इनकी लोकेशन में बड़ा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यह है कि बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी सेंट्रल पॉइंट. सेंट्रल पॉइंट ना होने के कारण से अगर मान लीजिए कि आप इस एरिया में रूल कर रहे हैं तो यू हैव कंट्रोल ओवर द नॉर्दर्न पार्ट, बट साउथ पार्ट से जो है वो वीक हो जाते हैं और वीक में ऑलरेडी आप देख रहे हैं नीचे चेर और पांड्य है. तो इन्होंने क्या किया था कि साउथ के एरिया से इन्होंने स्टार्ट किया था, तंजौर के इलाके से आदित्य ने जो है ऊपर के इलाके को कंट्रोल में लिया था, बट द जो इनकी कैपिटल थी वो अभी भी साउथ में ही थी एंड दैट इज वाई इनका जो नदन एरिया पे कंट्रोल था वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था. और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आपको पता ही है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वॉज वेरी स्ट्रांग डायनेस्टी. एंड इन्होंने क्या किया कि इसके जो राजा थे द नेम ऑफ द रूलर वॉज द कृष्ण थ्री. कृष्ण थ्री ने इस पूरे एरिया पे अटैक करके जो नदन टेरिटरी है उसको अपने कब्जे में ले लिया. लेकिन खैर साउथ के एरिया को इन्होंने अच्छा खासा कैप्चर कर लिया था चोल ने और इनफैक्ट साउथ में कह लीजिए जो मदुरई है, मदुरई तक इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो एरिया है वो कैप्चर करके रखा हुआ था. तो इन्होंने नॉर्थ में जरूर अपनी टेरिटरी लूज किया लेकिन साउथ में इन्होंने अपना अच्छा खासा कंट्रोल जो है वो स्थापित कर लिया था. इसके अलावा परांतकवन ने एक और चिदंबरम टेम्पल भी बनवाया था जो कि अगेन तंजौर में बनवाया था. चोलेश्वर टेम्पल अगेन इन तंजौर और जो चिदंबरम टेम्पल है ये भी तंजौर में ही था. इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं उनका नाम रहता है राजा राजवन. दिस राजा राजवन इस समय तक ऊपर चालुक्य भी स्ट्रांग हो चुके थे और चालुक्य का भी अच्छा खासा इंटरफेरेंस इनको देखने को मिल रहा था. राजा राजवन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट और काफी कह लीजिए कि गोल्डन पीरियड ऑफ द चोल था. इस समय चेर की, चोल के बाद जो चेर थी मतलब कि अपने वेस्टर्न साइड में इनकी जो नेवी थी इस पर इन्होंने कैप्चर कर लिया था और ये जो कैप्चर करने के दौरान में जो वॉर लड़ी गई थी उस वॉर का नाम है कंडलूर. दिस इज कंडलूर वॉर. नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच. मैं इनफैक्ट एंड ऑफ दिस वीडियो में एक टेबल रखा हुआ हूँ जिसमें आपको सारी की सारी वॉर जितनी भी लड़ी गई है, इंपॉर्टेंट वॉर्स जो एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है,
वो सारा एक साथ समराइज्ड फॉर्मेट में है, तो आपको ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं है, केवल आप सुनते जाइए समझते जाइए। बस आप ये समझ लीजिए कि जो चोल है वो अपने नेबरहुड के ऑब्वियसली टेरिटरीज को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। यहां पर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझने की जरूरत है। वन इज द राष्ट्रकूट यहां पर स्ट्रांग हो ही रहे हैं, जिसके लिए आपने अटैक देख लिया। दूसरा चेर, चेर जो है इनकी जो नेवी थी वो बड़ी स्ट्रांग थी, हालांकि चोल की भी नेवी स्ट्रांग होती है, लेकिन अगर आप दो नेवी स्ट्रांग नेवी अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ वॉर, और वही वॉर यहां पर हुआ भी था। तो इन्होंने क्या किया था, चोल ने जो चेर की नेवी थी उस पर कैप्चर कर लिया था, उनको हरा दिया था कंडलूर वॉर के अंतर्गत। और इस तरीके से इन्होंने पहले चेर को हराया, चेर को हराने के बाद फिर ये श्रीलंका पर अटैक कर दिए। श्रीलंका पर अटैक करने का इनका मोटिव था कि इन्होंने सोचा कि या जितने भी आइलैंड नेशंस हैं या फिर आसपास की जितनी भी टेरिटरीज हैं दैट विच इज हैविंग ओशियन बॉर्डर्स, उनको अगर हम कैप्चर कर लेंगे तो हमारा जो ट्रेड है चाहे वो साउथ के साथ हो, साउथ ईस्ट एशिया के साइड में हो या फिर वेस्टर्न साइड में हो, इन सबके साथ हमारा ट्रेड काफी बढ़ जाएगा। तो राजा राज वन का जो मेन मोटिव था फॉर एनेक्सेशन ऑफ द श्रीलंका वो केवल और केवल ट्रेड था। और इस तरीके से इन्होंने महेंद्र फाइव जो उस समय के श्रीलंका के रूलर थे उनको हरा करके, या कह लीजिए साउथ इंडिया में, साउथ ऑफ द श्रीलंका में भेज दिया था इन्होंने, और नॉर्थ इंडिया के मतलब नॉर्थ श्रीलंका के टेरिटरी को कैप्चर कर लिया था। साउथ के कैप्चर, अब सीधी सी बात है महेंद्र फाइव ऐसा तो है नहीं कि हार जाएगा तो चुपचाप बैठा रहेगा, वो हमेशा कोशिश करता है चेर और पांडे के साथ मिल करके कि किसी तरीके से चोल को हम हरा दें। लेकिन अगेन जो होता है, अभी चोल अपने काफी पीक पे चल रहा है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये भी कि राजा राज वन का जो पीरियड था दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ चोल डायनेस्टी, तो इस वजह से इस समय तक कोई काम कर नहीं पा रहे थे। राजा राजवन जब श्रीलंका पर अपना कैप्चर कर लेता है तो उसकी जो राजधानी, उसकी जो कैपिटल होती है उसका नाम रहता है अनुराधापुर। अनुराधापुर से ये अपनी कैपिटल को ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर करके पोलन रुआ एक जगह है वहां पर ये ट्रांसफर कर लेता है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल कहानी सुन लीजिए, मैं केवल और केवल इसीलिए बता दे रहा हूं आप लोगों को ताकि एटलीस्ट कहीं पर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एक कनेक्टिविटी जरूर मेंटेन रहे। तो यहां पर श्रीलंका पर इन्होंने कैप्चर कर लिया है, श्रीलंका पर कैप्चर करने के बाद इसकी जो कैपिटल है अनुराधापुर, इस अनुराधापुर से इन्होंने ट्रांसफर कर लिया था कैपिटल अपनी, और उसका नाम था पोलन रुआ। दिस इज पोलन रुआ। अब पोलन रुआ नाम अच्छा नहीं लग रहा है, इनको संस्कृत नाम चाहिए, तो इन्होंने अपना इनका जो पोलन रुआ का जो नाम था वो बदल दिया और नाम रख दिया जयनाथ मंगलम। दिस इज जयनाथ मंगलम। अब देखिए आप लोगों को भी अच्छा लग गया कि भाई ये पोलन रुआ समझ में नहीं आ रहा है क्या मतलब होता है इसका, लेकिन जयनाथ मंगलम हाँ समझ में भी नहीं आ रहा है वैसे, लेकिन हाँ बढ़िया लग रहा है। मंगलम अगरबत्ती वगैरह आप लोगों ने सुना भी होगा नाम, तो बस फेमिलियर हो जाता है तो बढ़िया लग जाता है। खैर जो है सो है। इसके अलावा इन्होंने अपना एक ग्रुप ऑफ द पीपल को, इन्होंने ग्रुप ऑफ डिसिपल्स को इन्होंने चाइना भी भेजा हुआ था, तो ताकि अपना जो भी किंगडम है वो बाकी देशों में बाकी एरिया में भी बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से उन्होंने एक दूत मंडल अपना जो कह लीजिए डिसिपल्स है वो चाइना भी भेजा था। इसके अलावा इन्होंने लैंड रिवेन्यू टैक्स को बढ़ाने के लिए, लाइक यहां पर लिखा हुआ है लैंड रिवेन्यू टैक्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक सर्वे भी कंडक्ट किया था। और ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस चोल रूलर ने लैंड सर्वे करवाया था फॉर द कलेक्शन ऑफ द लैंड रिवेन्यू टैक्स, तो आप बता देंगे राजा राजवन ने ये सर्वे कंडक्ट करवाया था। इनफैक्ट दो लोगों ने सर्वे कंडक्ट करवाया है, एक तो राजा राजवन ने ही ये सर्वे कंडक्ट करवाया है, दूसरा करवाया गया कुलोतुंग वन के द्वारा। बात करेंगे अभी कुलोतुंग क्या है कैसे हुआ। इसके अलावा इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी प्रमोट किया, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेमोराइज की किसने फर्स्टली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को फोकस किया। इसके अलावा इन्होंने राज राजेश्वर टेम्पल भी बनवाया था जिसका नाम बाद में बदल करके वृहदेश्वर टेम्पल कर दिया गया था। इनफैक्ट वृहदेश्वर टेम्पल जो अपने आप में बहुत ही बड़ा टेम्पल है, हम लोग जब आर्ट एंड कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे इन द लेक्चर ऑल्सो, तो उसमें आपको ये चीज पूरी डिटेल में देखने को भी मिलेगी, फोटोग्राफ भी आपको देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा ये बड़ा टेम्पल है। इसके अलावा जो राज राजेश्वर टेम्पल या फिर वृहदेश्वर टेम्पल है इसको यूनेस्को की, दिस इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
राजा राजवन के बाद फिर जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं उनका नाम होता है राजेंद्र वन। राजेंद्र वन भी जो है वो राजा राज की तरीके से ही बहुत मतलब स्ट्रांग रूलर रहता है, वॉरियर रहता है, और ये क्या करता है श्रीलंका जो आधा अधूरा जीता गया है उसको पूरा का पूरा कैप्चर कर लेता है। अब बेचारे महेंद्र फाइव क्या करें, जो कि श्रीलंका के रूलर हुआ करते थे और साउथ श्रीलंका को कैप्चर किए थे, अब पूरा का पूरा राजेंद्र वन ने कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद अब क्या कि महेंद्र फाइव को बंदी बना लिया गया था, इनको जो है वो कैप्चर कर लिया गया। कैप्चर करने के बाद एक तो ये श्रीलंका इन्होंने पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया है राजेंद्र वन ने, दूसरा इन्होंने जो नॉर्थ में इस समय तक गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी के बीच में वॉर चली रही है, आपको पता ही है ट्रिपेटाइट वॉर चल रही है, राष्ट्रकूट अरे याद है ना, देखिए राष्ट्रकूट यहां पर इन्होंने परांतक वन के टाइम पर कैप्चर भी किया था जो इनका चोल का जो नॉर्दर्न पार्ट है। तो राजेंद्र वन ने इसी ट्रिपेटाइट वॉर के अंतर्गत ही इन्होंने पाल डायनेस्टी के जो महीपाल थे इन पर अटैक किया था और इनको हराया था, और इस तरीके से कलिंग के एरिया को इन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो ये अगेन कोशिश वही कर रहे हैं कि जितनी भी हमें ओशियन बॉर्डर वाली जितनी भी हमें टेरिटरीज है जितना मिल जाएगा उतना बढ़िया हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने बंगाल पर भी अटैक किया, महिपाल को इन्होंने हरा दिया था। इसके अलावा यहां पर इन्होंने एक और इरिगेशन के लिए एक पॉन्ड बनाया था और उस तालाब का नाम था चोल गंगनम। दिस इज चोल, चोल गंगा से गंगनम याद कर लीजिए, दिस इज नम और संस्कृत तो नम रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक जो है एक तालाब बनवाया था, एक पॉन्ड बनवाया था। इसके अलावा इन्होंने अब श्रीलंका को कैप्चर कर लिया है। अब ये साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी नेशंस है जैसे मलाया पेनिनसुला हो गया, थाईलैंड इंडोनेशिया का एरिया हो गया, इसको उस समय बोला जाता था श्री विजय एम्पायर। तो ये जो श्री विजय एम्पायर है, श्री विजय एम्पायर जहां पर साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस आते हैं, इसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। इस समय यहां का जो रूलर था उसका नाम था कुलोतुंग वर्मन, नॉट इंपॉर्टेंट है सच, बस आप ये याद रखिए कि यहां पर क्या सीन हो रहा है। इसके अलावा राजेंद्र वन के टाइम पर चालुक्य के बीच में भी काफी अच्छा खासा जो है वो कंपटीशन एक देखने को मिला था। अभी किस तरीके का कंपटीशन था हम लोगों ने बात किया हुआ था, इनफैक्ट इन आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने एक ये स्लाइड देखी हुई थी, यहां पर ये बात किए हुए थे कि जो जयसिंह टू था ये बेसिकली ये कौन सी है, कल्याणी के चालुक्य है, याद है कि नहीं है, कल्याणी चालुक्य तैलप। इनफैक्ट एक कल एक डाउट भी आया हुआ था कमेंट के जरिए कि राष्ट्रकूट चालुक्य, चालुक्य को तो राष्ट्रकूट ने रिप्लेस कर दिया था, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी बिल्कुल सही कहती है, लेकिन उसके बाद राष्ट्रकूट को भी चालुक्यों ने रिप्लेस कर दिया था। तो इस तरीके से जो तैलप था वो बेसिकली राष्ट्रकूट रूलर जो लास्ट था कर्क टू उसको हरा करके अल्टीमेटली कल्याणी के चालुक्य अपनी डायनेस्टी री एस्टैब्लिश किया था। एंड दिस वाज द तैलप टू वाज एक्चुअली जो उस समय जो वातापी के जितने भी चालुक्य थे उन्हीं का ये बेसिकली रिलेटिव बोल सकते हैं, उसी का ही कह सकते हैं इनहेरिटर था। इसमें जयसिंह टू बेसिकली जो होता है जब राजा बना होता है विक्रमादित्य फाइव के बाद, तो इस समय होता सीन ये है कि जो वेंगी के चालुक्य है, वेंगी मतलब जो ईस्टर्न चालुक्याज हैं, यहां पर दो रूलर हो जाते हैं, एक तो विष्णुवर्धन जो कि बेसिकली नॉर्मल राजा ही रहता है जो चालुक्य डायनेस्टी का होता है, और दूसरा होता है जो राजराज होता है जो कि बेसिकली चोल राजकुमारी जो इसका जो फादर होता है वो दो शादियां किया ही रहता है। तो जो चोल राजकुमारी से, चोल प्रिंसेस से जो सन रहता है, लड़का रहता है, और दूसरा जो विष्णु वर्धन के साथ में रहता है, तो इन दोनों के बीच में अगेन एक थ्रोन को लेकर के जो है वो कंपटीशन हो जाती है, थ्रोन को लेकर के कह लीजिए आपस में संघर्ष हो जाता है। तो अब क्या होता है जयसिंह भाई साहब तो अपने ही बिरादरी को पकड़ेंगे, तो इन्होंने क्या है कि विजय जो विष्णुवर्धन था उसको इन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन जो चोल थे वो अपनी बिरादरी को पकड़ेंगे, और इस समय जो है राजेंद्र वन, यही राजेंद्र वन जो है इसको सपोर्ट करता है। और अल्टीमेटली होगा क्या, राजेंद्र वन आता है पहले मास्की को अपना जीत लेता है, मास्की को जीतने के बाद राजा राज को सपोर्ट देता है, सपोर्ट देने के बाद पहले जो जयसिंह साहब है इनको हराता है, हराने के बाद जो विष्णुवर्धन है इनको कैप्चर कर लिया जाता है, और इस तरीके से जो कल्याणी है किसके हाथ में चली गई, ये चली गई कल्याणी राजेंद्र वन यानी चोल के अंडर। चोल के अंडर चले आने के कारण अब इसके बाद से जो राजा बनेगा सोमेश्वर वन बनेगा। सोमेश्वर वन ऑब्वियसली फिर क्या होगा, राजेंद्र वन के साथ वॉर होगी, होगी कि नहीं होगी, तो राजेंद्र वन के साथ में फिर वॉर होती है, और यही चीज आगे हम लोग देख भी रहे हैं।
तो राजेंद्र वन के बारे में हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पर सारा सीन राजेंद्र वन का देख लिया। इसके बाद से जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं दैट इज द राजाधिराज वन बनते हैं। ये जो राजाधिराज हैं ये इनके टाइम तक ऑब्वियसली, अब देखिए राजेंद्र वन ने क्या किया था, श्रीलंका को पूरा कैप्चर कर लिया है, श्रीलंका को कैप्चर कर लिया है, तो ये भाई साहब महेंद्र वर्मा महेंद्र फाइव है ये कोशिश करेंगे कि भाई इनके साथ में जो चेर है और जो पांड्य है इन दोनों के साथ में मिल करके इस चोल के अगेंस्ट में कोई कंस्पिरेसी कर दिया जाए। कोशिश भी करते हैं ये लोग, अपना जो है एक कह लीजिए कि जो है अलायंस बनाते हैं और राजाधिराज के अगेंस्ट में कंस्पिरेसी भी करते हैं, लेकिन भाई चोल है ऐसे छोटे मोटे एरिया से तो है नहीं, तो ये क्या करता है इनका जो कंस्पिरेसी होता है उसको ये सप्रेस कर देता है, इसको दबा देता है। तो यहां पर इनको कुछ खास डेवलपमेंट नहीं मिल पाती है। इसके अलावा यहां से तो कि इसका गेम खत्म हो गया। दूसरा कल्याणी पे इनका अधिकार हो चुका है, तो कल्याणी पे बेसिकली अपना कैप्चर करके रखे हुए हैं। राजाधिराज वन के बाद से जो नेक्स्ट रूलर आते हैं उसका नाम होता है राजेंद्र टू। राजेंद्र टू जो है वो राजाधिराज का एक्चुअली भाई रहता है, छोटा भाई रहता है। राजाधिराज की कह लीजिए डेथ हो जाती है जब वॉर लड़ रहे होते हैं, किसके साथ में, इन दोनों का वॉर होता है सोमेश्वर के साथ। अब ये सोमेश्वर भाई साहब कौन है, सोमेश्वर वही जो चालुक्य है, अभी हम लोगों ने देखा चालुक्य है सोमेश्वर वन, इनके साथ में वॉर होती है। तो पहले राजाधिराज के साथ में वॉर होती है, राजाधिराज के साथ में जब वॉर होती है तो राजाधिराज की वहां पर डेथ हो जाती है तो राजेंद्र टू साथ में जाता है, इसके छोटा भाई रहता है साथ में जाता है, और जब देखता है कि इसकी डेथ हो गई है तो ये अपने आप को खुद को किंग, वही जो फील्ड है जहां पर बैटल फील्ड होती है, जहां पर युद्ध हो रहा है, वॉर हो रही है, वहीं पर अपने आप को ये किंग डिक्लेयर कर देता है और अगेन सोमेश्वर के साथ में जो वॉर होती है उसको कंटिन्यू करता है। इसके साथ में दो वॉर होते हैं, कंटिन्यूअस दो वॉर होते हैं, और इस वॉर को बोला जाता है कुंडल संगमम वॉर। दिस इज कुंडल संगमम वॉर। ये कुंडल संगमम वॉर बेसिकली दो बार होता है और दोनों बार सोमेश्वर साहब हार जाते हैं। जब सोमेश्वर हार जाता है तो क्या होता है, चला जाता है तुंगभद्रा नदी पे, तुंगभद्रा रिवर पे जाकर के ये सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने के बाद फिर सोमेश्वर वन के बाद कौन राजा बनता है, सोमेश्वर टू बनता है, और सोमेश्वर टू के साथ में विक्रमादित्य इसका जो भाई रहता है सिक्स, ये चोल के साथ में जाकर के जो अलायंस कर लेता है, शादी कर लेता है इसकी बेटी के साथ में। तो शादी कर लेता है तो क्या होता है, ये दोनों मिल करके सोमेश्वर टू पर दबाव बना देते हैं। दबाव बनाने के बाद क्या होता है, सोमेश्वर जाके कुलोतुंग के साथ में फिर अलायंस बना लेता है और फिर अल्टीमेटली विक्रमादित्य सिक्स पर अटैक कर देता है। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं तो ये आपको जानकारी होगी, केवल और केवल रिवाइज करवा रहा हूं। अटैक करते हैं तो चोल भाई साहब भी आ जाते हैं, राजेंद्र टू। अब ये आता है जैसे ही, वैसे ही क्या है, कुलोतुंग देख करके भाग जाता है, भाई ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। तो सोमेश्वर उनको फिर कैप्चर कर लिया जाता है और विक्रमादित्य सिक्स को फिर राजा डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये तो ऑलरेडी चालुक्य के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये पूरा सीन हुआ था राजाधिराज के वीर राजेंद्र के टाइम पर, और इस तरीके से बेसिकली वॉर वगैरह लड़ी गई थी। तो सोमेश्वर वगैरह इसमें जाकर के जो है वो अपना सुसाइड वगैरह कर लिए थे। इसके बाद से जो नेक्स्ट रूलर आते हैं उनका नाम होता है आधिराजेंद्र। ये जो आधिराजेंद्र है इनके टाइम पर जो है कह लीजिए कि सिविल डिस्टरबेंस रहता है और जो आम जनता है वही इसको जो है वो मार देती है और इसको हटा देती है। हटाने के बाद फिर जो है इनकी जो डायनेस्टी है, जो विजयालय ने बेसिकली स्टार्ट की है, वो डायनेस्टी यहाँ पर खत्म हो जाती है, यहाँ पर डिक्लाइन हो जाती है। लेकिन जो ये राजेंद्र टू रहता है ये एक और नई डायनेस्टी इस्टैब्लिश कर देता है, री इस्टैब्लिश कर लेता है, दैट इज द चोल चालुक्य डायनेस्टी। क्योंकि आप देखिए इसने क्या किया था, विक्रमादित्य सिक्स के साथ में मिलकर के जो है वो कंस्पिरेसी कर लिया था और सोमेश्वर टू को मार दिया था। तो इसके बाद से ये चोल चालुक्य डायनेस्टी एक न्यू डायनेस्टी फॉर्म करता है और इसका ये बेसिकली फाउंडर बन जाता है। दिस डायनेस्टी इज नोन एज चोल चालुक्य डायनेस्टी। इसका फाउंडर बन जाता है और अपना नाम बदल देता है, नाम रखता है कुलोतुंग। दिस इज कुलोतुंग वन, और यही बेसिकली राजेंद्र है, यही जो है वो राजेंद्र टू है। ठीक है, तो हालांकि ये सब इतना रिक्वायर्ड नहीं है आपके एग्जाम के लिए, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर जीएस, इनफैक्ट ये ऑप्शनल वाले लोग ज्यादा पढ़ते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन हाँ, केवल और केवल जानकारी रखिए क्या चीज है, क्योंकि इसके आगे के रूलर्स इन्होंने जो भी डेवलपमेंट्स की है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। इसके बाद में कुलोतुंग वही चोल चालुक्य डायनेस्टी एस्टैब्लिश करता है और यहां पर जो है
वो वापस से जो काम राज जो राजराज ने किया था, सर्वे कंडक्ट किया था लैंड रिवेन्यू के लिए, सिमिलर काम ये भी किया रहता है। ये वापस से जो है वो सर्वे करवाता है लैंड का यहां पर भी, और सर्वे करवाता है तो यहां पर उसको पता चलता है कि देयर आर सम टैक्सेस बिकॉज ऑफ विच एक्चुअली ट्रेड जो है वो काफी ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब है। और ये जो बेसिकली उस समय की जो ट्रेड हुआ करती थी, जैसे छोटी मोटी जो कह लीजिए कि टैक्स, लाइक एक तरीके की एक्साइज टैक्स हो गई, तो ये जितने भी कोस्टल मतलब कोस्ट से जितनी भी टैक्सेस वगैरह लग रही है वो, और ऑक्ट्राई टैक्स, दिस इज ऑक्ट्राई टैक्स, और साथ ही साथ में कह लीजिए कि कोस्टल टैक्स, ये दोनों के दोनों जो है वो अबॉलिश कर देता है, वो हटा देता है, खत्म कर देता है, ताकि जो ट्रेड में मुश्किल आ रही है उस मुश्किल को हटाया जा सके। इसने भी चाइना में जो होता है अपने एक जो है ग्रुप ऑफ पीपल को, डिसिपल्स को भेजा था, इसने भी भेजा है। तो इस वजह से अगेन इन दोनों का जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन द डायनेस्टी, इसलिए ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर और आते हैं, उनका नाम रहता है विक्रम चोल। ये विक्रम चोल जो है ये बड़ा गड़बड़ आदमी रहता है। ये क्या करता है, दिखाता तो अपने आप को बड़ा अच्छा है, लाइक ये भी जो है राम मंदिर रिकंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। राम मंदिर मतलब दिस इज नॉट एक्चुअली राम मंदिर, आई एम कंपेयरिंग दिस राम मंदिर विद दिस विक्रम चोल टेम्पल। इसने क्या किया था कि एक नटराज का टेम्पल बनवाया था, दिस इज नट वरी नटराज टेम्पल इसने बनवाया था। देख करके लग रहा है बड़ा अच्छा काम किया होगा, नहीं, इसके टाइम पर एक्चुअली फ्लड आ गया था। फ्लड आने के साथ साथ में जो लोग हैं वो बड़े परेशान थे। इनफैक्ट आज की डेट में भी अगर आप देखें तो बिहार में फ्लडिंग कंडीशन आ रखी है, बिहार हो गया, असम हो गया, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं था, इनसे जबरदस्ती इससे टैक्स वसूला गया, आम जनता से टैक्स वसूला गया, और इस टैक्स के जरिए नटराज टेम्पल बनवाया गया, और इस तरीके से नटराज टेम्पल बनाई गई। लेकिन अगेन खत्म नहीं हुआ है, इसी नटराज टेम्पल में एक्चुअल में पहले एक मंदिर हुआ करता था जिसका नाम था गोविंद राज टेम्पल, दिस इज गोविंद राज टेम्पल। इस गोविंद राज टेम्पल के अंदर में एक विष्णु की, विष्णु जी की कह लीजिए एक मूर्ति रखी गई थी, एक जो है स्टैचू रखा गया था जिसको फेंकवा दिया गया, और फेंकवाने के बाद फिर जो है यहाँ पर शैवाइट था, इसलिए नटराज टेम्पल इसने बनवाया। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है विक्रम चोल एंड ऑल दैट, जितनी भी चोल थी। इसके बाद की जो डायनेस्टीज आती हैं, मतलब कि चोल डायनेस्टी के अंदर में ही जितने रूलर्स आते हैं वो कुछ खास इंपॉर्टेंट होते नहीं, और धीरे धीरे इनकी पूरी डायनेस्टी जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, और इस तरीके से चोल का एंड हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर चोल डायनेस्टी। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं चेर डायनेस्टी के बारे में, हालांकि इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट एज सच है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी फॉर द पॉइंट ऑफ कंप्लीशन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि बुक्स वगैरह में जनरली चेर या पांड्य के बारे में बहुत ज्यादा आपको डिटेल्ड मिलेगा नहीं, और हमें रिक्वायर्ड भी नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और वही चीजें हमें थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। हालांकि समरी में मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि इसकी जो राजधानी थी वो वंजी थी, और जिसको जो है करूवुरा नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा इसका जो एरिया था वो केरल तमिलनाडु के बीच में था, और इसका जो एम्बलम था वो क्या था, धनुष था, ठीक है, तो बो एंड एरो बेसिकली इसका एम्बलम था। तो इसके बारे में आपको पता ही चल गया कहाँ है, तो मुसरी एंड तोंडी वॉज एक्चुअली द इम्पोर्टेंट सी पोर्ट एट दैट टाइम, और एम्बलम तो हो ही गया है। फर्स्ट सेंचुरी पुगलर इंस्क्रिप्शन रेफरेंस टू थ्री जनरेशन ऑफ चेर किंग, तो बेसिकली तीन लोग यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक है जिसका नाम है उदयन जेरल, दूसरा है शेन गुटवन, और तीसरा है अधिक ईमान, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहता है शेन गुटवन। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड हिज नेम, ही वॉज द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द चेरा डायनेस्टी, और इसने मिलिट्री अचीवमेंट काफी अच्छा खासा किया हुआ था, और जिसको कि शिलापदिक्रम जो एपिक है उसमें भी लिखा गया है। इस शिलापदिक्रम एपिक में ये बताया गया है, इसमें इनफैक्ट ये मेंशन किया गया है कि इसकी जो एक्सपीडिशंस थी, मतलब इसमें जो कह लीजिए कॉन्कर किया था, इसने जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट वगैरह किया था वो हिमालय तक किया हुआ था। अब पता नहीं क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बट इसके बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ है, बट हाँ ऐसा मेंशन किया गया है कि ये हिमालयन एक्सपीडिशंस भी किया हुआ है, यानी कि उस समय हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट और स्ट्रांग रूलर होगा, और ऊपर की जितनी भी डायनेस्टीज है वो वीक रही होंगी, एंड दैट इज वाई इस तरीके की एक्सपीडिशन वो कर पाया। सेन गुटवन इंट्रोड्यूस्ड इन तमिलनाडु एंड पत्नी कल्ट, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसने क्या एक नया कह लीजिए कि जो होता है सेक्ट स्टार्ट किया था, नया एक संप्रदाय स्थापित किया था, जिसमें इसने कड़ंगी को एक आइडियल वाइफ माना था। मतलब इसने क्या है एक पत्नी कल्ट जो है वो स्टार्ट किया था, यानी कि इसमें पत्नियों की पूजा की जाती थी।
और इस तरीके से जो है बेसिकली एक नया कह लीजिए कि जो होता है सेक्टर स्टार्ट किया था, और इस तरीके से इसने जो है वो मैट्रियार्कल टाइप ऑफ सोसाइटी की ओर में एंटर कर रहा था, मतलब जहां पर वुमेन की एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट की जाती थी। इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट रूलर रहते हैं, जैसे एक है जिसका नाम है उडियन जेरल। ये जो उडियन जेरल रहता है ये एक पाकशाला बनवाया रहता है। पाकशाला का मतलब ये होता है, दिस इज पाकशाला, दिस इज अ नाउन एक्चुअली। पाकशाला का मतलब होता है जहां पर जो है फूड प्रिपेयर किया जाता था और साथ ही साथ में जो पब्लिक है उसमें बंटवाया जाता था। तो आज की डेट का पीडीएस नहीं है ये, एक्चुअली कुक्ड फूड देते थे, कुक्ड फूड, और ये मतलब प्रॉपर जनरेसिटी के साथ देते थे। ऐसा नहीं था कि बस केवल खाना पूर्ति की जा रही हो, नो, एक्चुअली जो है जनरेसिटी के साथ में की जाती थी। इसके अलावा जो होता है कह लीजिए कि यहाँ पर एक और नेदुन जेरल एक और राजा रहते हैं जिनका नाम रहता है नेदुन जेरल नाम रहता है, और इसने जो है देव नाम प्रिय एक टाइटल रिया रहता है, जस्ट लाइक जो है अशोक के जैसे। नेक्स्ट जो एक और इंपॉर्टेंट रूलर है उनका नाम रहता है अडिग ईमान। ये जो अडिग ईमान है इसने जो है शुगर केन कल्टीवेशन साउथ इंडिया में शुरू करवाया था, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो शुगर केन कल्टीवेशन ये ध्यान में रखिएगा, यहां पर लिख भी लीजिए, दिस इज एक्चुअली शुगर केन इन साउथ इंडिया, ठीक है। यही सब देखिए क्वेश्चन आता है इससे और ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, जानकारी भी नहीं है बहुत ज्यादा, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद से नेक्स्ट और लास्ट रूलर आते हैं हमारे पांड्य के बारे में। पांड्य के बारे में देखिए कुछ ज्यादा जानकारी लेने की ऐसा जरूरत नहीं है, और यहां पर केवल और केवल वही जो हम लोगों ने बात किया हुआ था अभी समरी में, वही मोस्टली इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फटाफट एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं इसमें। इसकी जो पांड्याज रीगेन्ड ओवर द सदर्न रीजन ऑफ द मॉडर्न तमिलनाडु, और इसकी जो मदुरई इसकी कैपिटल हुआ करती थी, और इनका एम्बलम जो है बेसिकली वो कार्प था, कार्प का मतलब हो गया मछली, फिश होती थी। इसमें नेदुन चिलियान एक कह लीजिए कि जो है वो राजा था, और जिसको नेदुन चिलियान यहां पर बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में इसको प्रोनाउंस करते हैं नेदुन जेलियान। तो ये जो जेलियान था वो काफी इंपॉर्टेंट रूलर था, और इस समय का ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आप बोल सकते हैं। ही वाज आल्सो कॉल्ड एज अरेपाई कदंथ नेदुन चिलियान, ठीक है। इसने हालांकि इसका पूरा नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस लिख दिया गया है। बस अब ये ध्यान रखिएगा इसका जो इंपॉर्टेंट रूलर था वो नेदुन जिलियान था। अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी द कर्स ऑफ कडंगी वाइफ ऑफ कोवलन बॉन्ड एंड डिस्ट्रॉयड मदुरई। तो एक वही शाप वाला चीज हो गई थी और खत्म हो गया पूरा का पूरा डायनेस्टी, इसीलिए कभी शाप आप नहीं लेना चाहिए, हमेशा जो है मच बचा करके रहिए। शाप आप दे दिया गया तो बस देख सकते हैं कि पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म हो जा रहा है। The socio-economic condition of the seaport of Korkai was mentioned in the Madurai Kanji, which was written by Madungi Maruthanar. तो ये अगेन जो होता है एक लिटरेचर है, जो कि अगेन संगम लिटरेचर में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में थोड़ा, लेकिन फिर अगेन वही फैक्ट है, याद करना पड़ेगा आपको, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो ये थी बेसिकली पूरी डिस्कशन जो कि ध्यान में रखनी थी आपको। इसके अलावा देखिए एक लास्ट में एक ये पूरी पूरी वॉर के बारे में है, जहां पर किसके बीच में कौन सी वॉर लड़ी गई है ये एक दिखाया गया है, जहां पर जैसे अगर आप देखेंगे तो मणिमंगलम, ये मणिमंगलम वही है शूरमार परमार, बताया था ना मैंने, जैसे शूरमार परमार, शूरमार परमार में मतलब तीन वार हुए थे, परमार में परियाल का युद्ध, परियाल वॉर, एंड सेकेंड वॉर द मणिमंगलम वॉर। तो ये जो तीनों वार हुए थे किसके किसके बीच, पल्लव नरसिंह वर्मन और पुलकेशिन टू के बीच में हुए थे, जहां पर पुलकेशिन की फिर अल्टीमेटली मर्डर कर दिया जाता है और यहां पर नाग जो नरसिंह वर्मन है वो जीत जाता है, और इस तरीके से चालुक्य और पल्लवों के बीच में आपस में कह लीजिए कि जो राइवलरी है वो शुरू हो जाती है, कभी ये इसको मारेगा फिर कभी ये इसको मारेगा। नेक्स्ट जो वॉर है वो कोप्पन का वॉर है। कोप्पन वॉर जो है बेसिकली राजाधिराज और चोल और सोमेश्वर वन के बीच में लड़ा गया था, पहला वॉर जिसमें राजाधिराज की डेथ हो जाती है, राजेंद्र वन जो है ये अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देता है वहीं बैटलफील्ड में ही, और सोमेश्वर को हरा देता है। फिर उसके बाद से सेकेंड वॉर फिर से होती है कुंडल संगमम वॉर, जो कि अगेन राजेंद्र टू के, दिस इज राजेंद्र एक्चुअली वन ही है, राजेंद्र वन और सोमेश्वर वन के बीच में वॉर होती है। फिर इसी बैटलफील्ड पे दूसरी वॉर होती है जो वीर राजेंद्र, नेक्स्ट राजा वीर राजेंद्र के साथ सोमेश्वर वन की होती है, सोमेश्वर वन हार जाता है और जाकर के सुसाइड कर लेता है, और उसका बेटा फिर सोमेश्वर टू राजा बनता है। विल्लोर वॉर जो है परांतक वन, चोलकिंग और पांड्य राजा सिंह के साथ में वॉर होती है, और ये बेसिकली साउथ इंडिया में हो रही है, जहां पर पहला वॉर इनफैक्ट होता है ये कह लीजिए पांड्य के साथ में। इसके बाद तक्कोलम वॉर है,
तक्कोलम वॉर जो है वो जहां पर कृष्णा मतलब कि कृष्णा थ्री जो है राष्ट्रकूट रूलर ये प्रांतक पर अटैक करता है और इसकी जो नॉर्थ टेरिटरी उसको कैप्चर कर लेता है और इस तरीके से राष्ट्रकूट अपने टेरिटरी का एक्सपेंशन कर लेते हैं और चोल डायनेस्टी अपनी नदन जो टेरिटरी है उसको लूज कर देते हैं, लेकिन साउथ में खैर अपना ये एक्सपेडिशन कर लेते हैं और वेल्लोर वॉर के बाद जो है एरिया को अच्छा खासा कैप्चर कर लेते हैं। तक्कोलम वॉर टू होती है, तक्कोलम में फिर से एक वॉर होती है, लेकिन इस बार वॉर हो रही है पांड्य और चोल के बीच में। पांड्य में होता है वीर पांड्य और चोल डायनेस्टी में गंडरादित्य इसका रूलर होता है। यहां पर अगेन जो है चोल जीत जाते हैं और इस तरीके से ये एरिया कैप्चर कर लिया जाता है। लास्ट एक और वॉर है, दैट इज द चिंबूर वॉर। चिंबूर वॉर में पांड्य रूलर वीर पांड्य होता है, चोल जो है वो प्रांतक टू एक्चुअली होता है और यहां पर इन दोनों के बीच में वॉर होता है और इस तरीके से पूरी की पूरी जो है डायनेस्टी पांड्य की खत्म हो चुकी होती है और चोल डायनेस्टी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये थी पूरी डिस्कशन, हम लोगों ने चोल चेर पांड्य के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस संगम लिटरेचर के बारे में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने पर वही जितने भी आपके पीपीटीज वगैरह हैं और मटेरियल्स वगैरह ये आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।